इंदौर जिले के बेटमा में शहीद की यादों को जीवंत बनाए रखने के लिए शहीद की प्रतिमा और स्मारक का अनावरण किया गया। त्रिपुरा में 1992 में एम्बुस के दौरान शहीद हुए थे। बेटमा के समीपस्थ पीर पिपलिया गांव के सीमा सुरक्षा बल के जवान मोहन सिंह सुनेर ने निवास पर उनकी शहादत के बाद पहली बार पहुंचे। युवाओं ने उनके परिवार और घर की दशा देखकर एक अभियान चेक वन फॉर साइन चलाकर चार तहसीलों देपालपुर बड़नगर सांवेर पीथमपुर में आम लोगों से 11 लाख की राशि जमा की। इस राशि से 26 अगस्त 2018 रक्षाबंधन पर शहीद की वीरांगना राजूबाई को सभी साथियों ने राखी बंधवाकर मकान निर्माण का भूमि पूजन करवाया था और 15 अगस्त 2019 को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस पर सर्वसुविधा युक्त मकान बनाकर दिया। साथ ही निर्णय लिया था कि शहीद सुनेर की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए पीर पिपलिया शहीद के गृह ग्राम में उनकी प्रतिमा लगाकर स्मारक बनाया जाएगा। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। किसी चीज से नहीं हो सकती है, वो परिवार, वो समाज और वो राष्ट्र जो अपने वीरों को, अपने सैनिकों को, अपने योद्धाओं को हिम्मत देते हैं काम करने के लिए, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। अगर पूरा संसार अपनी नजर इस गांव में, इस क्षण में डालेगा तो घबरा जाएगा कि 28 साल पहले उस वीर ने अपने प्राणों की आहुति दी अपने देश के लिए, और 28 साल के बाद में उसकी जो ज्योति है, उसका जो लावा है, उसका जो लोह है, उसका जो ख्याल है, आज भी हरेक आत्मा के साथ लगा हुआ है। उसका जो वीर आंगन है, उसकी जो वीर धर्म पत्नी है, उसके जो वीर पुत्र हैं, उसने तो अपने दूसरे बच्चे का शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन स्वर्गों में, क्योंकि वीरों की जगह स्वर्ग में ही होती है, वहां से अवश्य इस दिन, इस घड़ी, इस क्षण, इस पल देखने होंगे। अगर ये वाला सीन, हाथ खड़े नहीं हुए हैं, हाथ क्या कर रहा है? मातरम मातरम मत आगे नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद आएगा तब से नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद आएगा सही तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद आएगा सही तेरा नाम रहेगा। जोश है ना आपको, अगर आप, अगर मैं हर एक आदमी को 1-1 करोड़ रुपया भी दे दूं ना, ये जोश नहीं ले सकता मैं। कितने लोग होंगे उतना मल्टीप्लाइड बाई 1 करोड़ का मजा लेना चाहता हूं। एक बार फिर करेंगे, गला साफ कीजिए, फिर गला साफ। हाथ, एक हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ खड़ा कीजिए मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ में, मेरे साथ में, हाथ खड़ा, दोनों खड़ा, मुट्ठी मुट्ठी बंद आत्मा के साथ, एक चेहरे पर एक लो, आंख भी वो अंगारे, आत्मा वो दिव्य पन पे। मैं भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। रास्ता मिशन का बीड़ा अंतिम छोर पर नहीं है, अपने एक पड़ाव पर है। ये पहला पड़ाव है जब हमारा संकल्प है कि देश के 36,000 सैनिक जो इस मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए, उनकी स्मृति को स्थायी करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को देश पर बलिदान होने वाले बलिदानियों की प्रेरणा से प्रेरित होकर राष्ट्र के लिए बलिदान होने की प्रेरणा मिलती रहे, 36,000 राष्ट्र शक्ति स्मारक बनाना शहीद समरसता मिशन का लक्ष्य है। और शहीद परिवारों की समस्त समस्याओं का समाधान 1 करोड़ रुपए की राशि संसद और विधानसभाएं कानून बना करके देश पर मर मिटने वाले समस्त शहीदों को जब तक नहीं देती, तब तक शहीद समरसता मिशन का काम अधूरा रहेगा, और उसको पूरा करने के लिए हम प्राणपण से जुटे हैं। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है,
एक शहीद शहीद मोहनलाल सुनेर को जो पीर पिपलिया गांव के हैं उनको आज तहे दिल से याद किया है। मेरे बाएं में मोहन नारायण जी हैं जिन्होंने शहीद समरसता मिशन चलाया, 12 साल से चल रहा था और पिछले साल उन्होंने हमारी वीरांगना राजू बाई जी जो शहीद की पत्नी हैं उनको ये वचन दिया था। 3 वचन दिए थे उन्होंने, एक कि उनके लिए 11 लाख इकट्ठे करेंगे, दूसरा उनको घर देंगे और तीसरा उनका प्रतिमा करेंगे और चौथा भी कहा था कि उनके नाम पर इस गांव के अंदर में जो स्कूल है उसका नाम शहीद के ऊपर रखा जाएगा। आज 22 जनवरी 2020 एक ऐतिहासिक दिन है कि इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे के ऊपर में जहां से रास्ता जाता है पीर पिपलिया को उस जगह के अंदर में शहीद की प्रतिमा को फिर स्थापित किया। बहुत खुशी की बात है। मैंने फौज के अंदर में 40 साल नौकरी की है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। मैं पूरे भारत की सेना हर एक सैनिक की तरफ से तहे दिल से इन नौजवानों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो वचन किया था उसको पूरा किया है और मैं इस वीरांगना को जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं इनको और इनके थ्रू मैं हर एक वीरांगना को जितनों ने भी भारत राष्ट्र के लिए शहीदी दी है कि ये राष्ट्र समाज और पूरे नागरिक और हमारे बीच में ऐसे ग्रुप है जैसे कि शहीद समरसता मिशन है। आप देखिए बारीक से कि 20 जवानों ने प्रण लिया और आज कर दिखाया, उन्होंने 12 साल से ये कार्य कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल दिया है इंदौर ने, उज्जैन ने, दीपालपुर ने और इन जवानों ने, ये पूरा भारत एग्जाम्पल को देखना चाहिए कि किस निस्वार्थ भावना से नागरिकों ने, इस जगह के यूथ ने इकट्ठा होकर एक शहीद को इतना सम्मान दिया है। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि उनका उन्होंने जो वीरगति प्राप्त की थी जो उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था इस राष्ट्र के लिए वो सितंबर 1992 था। 27 साल पहले उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी और भारत कितना महान है कि 27 साल के बाद भी उस शहीद को भूला नहीं है और आज उनका परिवार वीरांगना, उनका पुत्र जो भी जो खुद भी एक सेना में है, उनके पिताजी और ऐसे यूथ और इन यूथ की जो इनकी स्रोत है, प्रेरणा स्रोत है वो शहीद भगत सिंह है। इन्होंने अपना अभियान शुरू किया 23 मार्च 2007 जब भगत शहीद सिंह का 100वां जन्मदिन था और वहाँ से जो ज्योति बनी वो आज हमको इस रक्षाबंधन के दिन घर फिर बोला प्रतिमा लगाए तो प्रतिमा लगाई आज वो शुभ दिन है और बोला कि यहाँ पर जो स्कूल है उसका नाम उस वीर के नाम पर रखेंगे वो अवश्य होगा। जब मैं सितंबर में आया था तो उन्होंने 12 शहीद परिवारों को वचन दिया था कि हम इसी प्रकार इसी मॉडल से काम करेंगे। ये जो मॉडल है ना एक काम करने का तरीका है, मैं चाहता हूं कि इसको एक शब्दों में हर एक रूप में आंखों में एक ऐसा अंगारा होना चाहिए जिसपे एक राष्ट्र का प्रेम दिखाई दे, एक आपके कंधों में ऐसे खड़े होइए कि पता लगे पूरी धरती को कि एक योद्धा खड़ा है पूरे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।